हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इजर्नर्स। यहां पर आपको सारी की सारी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस सेमेस्टर और अपकमिंग सेमेस्टर में भी आपकी हेल्प हो सके। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मैंने पहले बताया था क्या होता है। ये एक प्रोमिसर के डिज़ायर पे चलता है और प्रॉमिसी जो होता है वो उसके बदले में कुछ करता है प्रॉमिसर के, तो वो हमारा कंसीडरेशन होता है। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कि ये लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, और इसमें अगर कंसीडरेशन के बिना हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, अग्रीमेंट बनाते हैं, तो वो हमारा वॉइड होता है ना, क्योंकि अग्रीमेंट बनने के लिए हमारा ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसीडरेशन ज़रूरी होता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों कि कंसीडरेशन के बाद ही अग्रीमेंट एक वैलिड अग्रीमेंट बन सकता है, वॉइड क्यों है कंसीडरेशन के बिना। वो देखो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ग्रैचुटियस या वॉलेंटरी है, ग्रैचुटियस या वॉलेंटरी का मतलब होता है कि बिना किसी रीज़न के कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना या फिर उस रीज़न के बदले में कुछ ना लेना। ठीक है, तो वो ऐसे अगर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ही जल्दीबाजी में लिए गए या फिर बिना सोचे समझे लिए गए वाले कंसीडरेशन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंसीडरेशन, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को बचाने के लिए कि अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड वगैरह हो गए तो लोगों को रेमेडी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ये रूल बना दिया कि बिना कंसीडरेशन के अग्रीमेंट वॉइड है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ रूल्स कंसीडरेशन के लिए। कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, कि प्रोमिसर जो चाहेगा वैसा ही कंसीडरेशन होना चाहिए। कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कि देखो इंडिया में जो कंसीडरेशन होता है वो उसमें हमारा इंडियन लॉ के मुताबिक हमारा कोई स्ट्रेंजर भी हमारा कंसीडरेशन ऑफर कर सकता है, बट इंग्लिश लॉ में सिर्फ प्रोमिसी जो है वो ही कंसीडरेशन ऑफर कर सकता है, बट हमारे इंडियन लॉ में स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा कंसीडरेशन दे सकता है। तो कंसीडरेशन देने वाला कोई भी हो सकता है। ठीक है, कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, कि कुछ वैल्यू की होनी चाहिए। ठीक है, मनी वैल्यू की होनी चाहिए। अब तुम एक, अब वो कम मनी वैल्यू में है जितना उस मनी वैल्यू, जितना उस प्रोमिसर के जो ऑब्जेक्ट है उसके बदले में जो कंसीडरेशन मिल रहा है उसका मनी वैल्यू चाहे बहुत ही कम हो, कंसीडरेशन की मनी वैल्यू बहुत ही कम हो, पर फिर भी कंसीडरेशन होना चाहिए चाहे वो कैसा भी हो। अब कम है या ज़्यादा है वो तो पार्टीज़ पे डिपेंड करता है, पार्टीज़ कैसे बिजनेस करती है वो उस पे डिपेंड करता है, बट कंसीडरेशन होना चाहिए चाहे वो इनएडिक्वेट हो या ना हो। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे, एक्स अग्री टू सेल हिज हॉर्स टू वाई फॉर 50,000। Here consideration for X selling horse to Y is considered 50,000 from Y and consideration of Y paying 50,000 to X. X is selling horse. Here consideration had come at the desire of the promiser. X is a promiser Y and similarly Y is a promiser of X. For X, तो यहाँ पे X agree कर रहा है अपना घोड़ा बेचने के लिए 50,000 देगा। ठीक है, 50,000 Y से लेगा उसके बदले। तो X अपना घोड़ा बेच रहा है, Y अपने 50,000 दे रहा है। तो X का प्रोमिसर है Y और Y का प्रोमिसर है X। ठीक है, किसके डिज़ायर पे? X ने अग्री किया कि मैं घोड़ा बेचूंगा 50,000 पे, तो उसकी डिज़ायर है, X की डिज़ायर चल रही है यहाँ पे। ठीक है, इट मे बी एन एक्ट, एब्सटेनेंस और फोरबियरेंस और रिटर्न और प्रॉमिस। ये तो तुम्हें पता ही है कि एक्ट मतलब कुछ करना, एब्सटेनेंस मतलब कुछ ना करना, रिटर्न प्रॉमिस उसके बदले में कुछ करना और फोरबियरेंस उससे किसी बदले में कुछ ना करना। ठीक है, इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी नॉट बाउंड टू डू, कि कंसीडरेशन हमारी पास्ट कंसीडरेशन भी हो सकती है, फुल प्रेजेंट कंसीडरेशन भी हो सकती है और फ्यूचर कंसीडरेशन भी हो सकती है इंडियन लॉ के मुताबिक, बट इंग्लिश लॉ में हमारी जो कंसीडरेशन है वो सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकती है, पास्ट कंसीडरेशन वहाँ पर नहीं लेते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पर ये जो ये बना हुआ है इसमें देखो, पास्ट हमारी पास्ट कंसीडरेशन हो, परफॉर्मेंस हम पास्ट में दे रहे हो या प्रेजेंट में दे रहे हो या
फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में तो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते ना। अगर हम कंसिडरेशन पास्ट की है तो उसकी परफॉर्मेंस पास्ट में कैसे होगी? तो फिर तो वो तो पास्ट के टाइम का प्रेजेंट हो गया ना। तो पास्ट में कंसिडरेशन हो या फिर प्रेजेंट और फ्यूचर में परफॉर्मेंस हो रही हो, फिर प्रेजेंट कंसिडरेशन हो, पास्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है, प्रेजेंट परफॉर्मेंस हो रही है, या फ्यूचर परफॉर्मेंस होगी, कंसिडरेशन अभी दे दी। फ्यूचर कंसिडरेशन है पास्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है या प्रेजेंट में परफॉर्मेंस हो रही है या फ्यूचर में परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। तो ऐसे हमारे कंसिडरेशन एंड परफॉर्मेंस होती है उसकी। फिर उसके बाद इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। और लॉफुल होने के लिए क्या लॉफुल और वो कब कब होगा? अगर वो बाय लॉ फॉरबिडन ना हो और उसका नेचर जो हो वो किसी लॉ ऑफ प्रोविजन को, प्रोविजन लॉ के प्रोविजन को हार्म ना कर रहा हो, तोड़ ना रहा हो, ठीक है, और फ्रॉडुलेंट ना हो और किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजर ना कर रहा हो, अफेक्ट ना कर रहा हो, ठीक है, और जो कोर्ट है वो उसको इमोरल रिगार्ड कर रही है या फिर वो किसी पब्लिक पॉलिसी के अपोज में है, तो वो हमारा अनलॉफुल हो जाएगा। ये पांच कंडीशन है जिसकी वजह से हमारा एक कंसिडरेशन अनलॉफुल हो सकता है। ये तो बता दिया। अगर पीडीएफ चलाओ चाहिए होगा तो नीचे एक टेलीग्राम लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना, बीकॉम वाला। देन उसके बाद नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कोई एक कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, ठीक है, सॉरी, अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इसके एग्जेम्पशन कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, वो इस सेक्शन 25 में लिखा है, ठीक है। सेक्शन 25 में हमारे कौन कौन से हैं? 7 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि हमारे विदाउट कंसिडरेशन भी हमारे वॉइड नहीं होते हैं, वैलिड अग्रीमेंट बन जाते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज, प्रॉमिस मेड टू पे अ टाइम बाय डेब्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट्स, एक्सप्लेनेशन, क्रिएटिंग क्रिएशन ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड डेमिशन, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रॉमिस मेड ऑफ आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या होता है? कि अगर एक अग्रीमेंट है और वो ऐसी पार्टीज़ के बीच में बना है जिनके बीच में नेचुरल लव और अफेक्शन हो, ठीक है, लाइक एग्जांपल कि एक सन और बेटे के अंदर कोई अग्रीमेंट बना है तो वहाँ पे क्या है, नेचुरल लव अफेक्शन की वजह से वो अग्रीमेंट बना होगा अगर, तो वो हमारा इस कैटेगरी में आएगा और ये बिना कंसिडरेशन भी हमारी वैलिड मानी जाती है। बस कंडीशंस क्या हैं कि ये राइटिंग में होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, और बिटवीन द पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर, डिस्टेंस रिलेशन वाले नहीं चलेंगे, नियर रिलेशन के होने चाहिए, ठीक है। नॉर्मल दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र और कॉल्ड गिफ्ट, और ऐसे ट्रांसफर्स को ज़्यादातर ये इसमें गिफ्ट वाले केसेस होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड है हमारा प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलेंटरी सर्विसेज, मतलब कि तुम्हारे पास्ट में उसने तुम्हारे लिए कुछ किया हो जिसके बदले में उसने कोई तुमसे मांगा नहीं, उसने उस टाइम पे बस कर दिया, लाइक जैसे किसी की जान बचाना और किसी का कोई खोया सामान जब खो जाता है तो वो उसको ढूंढ, जो जिस इंसान को वो मिलता है चीज़, ठीक है, वो उसको जाके अगर पुलिस स्टेशन में डाल, लाइक पर्स, किसी का पर्स गुम गया है, बैग गुम गया है जिसमें उसकी डॉक्यूमेंट्स हैं, पैसे हैं, कार्ड्स वगैरह हैं, तो वो चीज़ जिसको मिली है वो तो अपने घर भी ले जाके रख सकता था, उसको ना ही ढूंढता, जिसका है उसके मालिक को ना ढूंढो, उस सामान के मालिक को ना ढूंढ के वो अपने पास रख लेता तो उसका फ़ायदा होता, पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने उस टाइम पर उसको पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया, तो ये क्या, उसने बिना कंसिडरेशन बिना कुछ चाहे अपना काम कर दिया, ठीक है। तो ऐसे जो सर्विसेज होते हैं उसको बाद में प्रॉमिस किया कि तुमने मेरा पर्स, अब जब उस मालिक को मिल गया, उसको अपना पर्स मिल जाए, तो वो फिर उसको प्रॉमिस कर सकता है कि मैं तुम्हें, तुमने मेरा पर्स ढूंढ के दिया, मैं तुम्हारे लिए
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हूँ, बहुत आभारी हूँ आपका। अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और फिर कुछ दिनों बाद उसको उसने उसकी डॉक्यूमेंट देखी थी, तो उसने देखा था कि वो किसी कंपनी में काम करता है और बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करता है। तो और जिस पर्सन को मिला था वो भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा होगा, एक्सपीरियंस पर्सन होगा, तो उसकी जॉब चली गई। उसने बोला कि अब मुझे जॉब की ज़रूरत है तो मैं कहाँ जाऊँ। तो उसको ध्यान आता है कि हाँ, इस बंदी को मैंने पर्स ढूंढ के दिया था तो ये उस कंपनी में काम करता है और उसमें अच्छी पोस्ट मिल जाएगी मुझे, मैं जितना केपेबल हूँ। तो उस अकाउंट पे वो उनसे फ़ोन करके उनसे बात करता है। तो वो जो वहाँ पे जो जॉब दे रहे हैं वो क्या है, उसकी कंसिडरेशन है किसके लिए, वॉलंटरी सर्विस की, प्रॉमिस की, कंपनसेट के लिए प्रॉमिस जो किया था उसके लिए कंसिडरेशन है वो, ठीक है। तो ऐसी कंसिडरेशन भी हमारी, जो यहाँ पे उसने तो पास परफॉर्मेंस कर दी ना, तो हमारी यहाँ पे ऐसी जो कंसिडरेशन होती है उसके लिए भी हमारी कोई कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेब्ट, कोई ऐसा लोन हो गया डेटर, जो डेटर ने प्रॉमिस किया कि अभी तो टाइम ख़त्म हो गया, 3 साल तक हर एक लोन का 3 साल का टाइम होता है, अगर उसके बाद अगर पेमेंट नहीं हुई तो फिर क्रेडिटर अपना उसमें फाइल सूट कर सकता है, और अगर 3 साल के बाद कुछ रीजनेबल टाइम्स के अंदर वो फाइल सूट ना करे तो वो फिर उसके बाद उस क्रेडिटर को भी हक नहीं है कि वो उसके बाद जा सके, और जाएगा भी तो उसको कोई वो नहीं मिलेगा, रिलीफ नहीं मिलेगा उससे। तो अगर टाइम बाय डेब्ट को डेटर ने बोला कि तुम केस सूट ना करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको बाद में पे कर दूँगा, तो ऐसे में भी हमारे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हमारे कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं होते हैं। लाइक एग्जाम्पल, ए ओज बी ₹1,000 बट द डेब्ट इज़ बैड बाय द लिमिटेशन एक्ट असाइंस अ रिटन प्रॉमिस टू पे ₹500 ऑन अकाउंट ऑफ द डेब्ट, द प्रॉमिस विल बी वैलिड एंड बाइंडिंग विदाउट एनी फ्रेश कंसिडरेशन, कोई फ्रेश कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं लगेगी। देन फिर फोर्थ है हमारा क्रिएशन एजेंसी, कि अगर तुम किसी के एजेंट हो, ठीक है, तो उसके लिए तुम काम कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें कोई कंसिडरेशन नहीं लगता है, ठीक है। अगर तुम किसी पर्सन के एजेंट हो और उसके लिए तुम काम कर रहे हो तो वहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं लगता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, दस व्हेन अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज एन एजेंसी हिज अपॉइंटमेंट इज वैलिड इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, कि अपॉइंट करने के टाइम पे तुम्हें कोई कंसिडरेशन नहीं लगेगा अगर तुम एजेंट के अपॉइंट कर रहे हो, वहाँ पे तुम्हें कोई कंसिडरेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही वैलिड है अपॉइंटमेंट। कंप्लीटेड गिफ्ट, कि गिफ्ट जो होते हैं वो हमारे, अगर तुम किसी एक पर्सन को गिफ्ट दे रहे हो तो उसके बदले में तुम्हें कुछ रिटर्न में देना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे तुमने अगर एज अ गिफ्ट तुमने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी उसके नाम पे तो वो हमारा वहाँ पे उसके बदले तुम कंसिडरेशन नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। मांगते ही नहीं है ना, अगर कोई पार्टी किसी को गिफ्ट कर रही है तो उसके बदले में थोड़ी कुछ मांगेगी, तो वहाँ पे भी हमारी कोई कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है, बिना कंसिडरेशन के भी हमारा वो वैलिड गिफ्ट माना जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ए गेव अ वॉच एज अ गिफ्ट टू बी ऑन हिज बर्थडे, लेटर ऑन ए कैन नॉट डिमांड द वॉच बैक ऑन द ग्राउंड देयर वॉज नो कंसिडरेशन, तो वो उससे वापस नहीं मांग सकता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सिक्स्थ है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, कि किसी एक पर्सन के बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन गारंटी दे रहा है कि तुम इसको सामान, लाइक जैसे 3 पार्टीज है, एक क्रेडिटर है, एक डेटर है और एक गारंटर है, ठीक है। तो वहाँ पे जो गारंटर है वो पर्सन सी से कह रहा है, क्रेडिटर से कह रहा है कि डेटर से तुम ट्रांजैक्शन कर लो, जो भी ट्रांजैक्शन है तुम उससे ट्रांजैक्शन कर लो, उसकी गारंटी मैं देता हूँ कि ये पैसे दे देगा, और अगर ये पैसे ना दे तो उसके पैसे मैं दे दूँगा, तो वहाँ पे वो गारंटर होता है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कोई कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं होता है। देन उसके बाद रेमिशन, रेमिशन मतलब होता है कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है
उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे कम परफॉर्मेंस कर देना, तो वहाँ पे भी हमारी कोई कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो रेमिशन बेसिकली ये क्या होता है कि हमने जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसमें से अब दोनों ही पार्टीज़ के दोनों साइड की पार्टीज़ के चाहे जितने भी पार्टीज़ हो, दोनों साइड की अगेंस्ट एंड फॉर वाली पार्टीज़ के मंजूरी से ये तय हुआ कि जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उससे अब कम परफॉर्मेंस करनी है, तो वो हमारा रेमिशन होता है। तो उस कम परफॉर्मेंस के लिए अब अलग से कंसिडरेशन नहीं लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके लिए पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। तो एक 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 डॉक्टर थी, ठीक है। उसकी मदर, डॉक्टर और मदर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। तो मदर ने बोला कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी, पर जो उसने कंडीशन रखी कि तुम्हें हर महीने अपनी मासी को 10,000 रुपये करके भेजना है, 10-15,000 रुपये करके तुम्हें भेजना है, ठीक है। अब जब उसकी मदर की कॉन्ट्रैक्ट बन गई, मदर एंड डॉटर की कॉन्ट्रैक्ट बन गई, उसके बाद उसकी मदर की डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद जो उसकी डॉटर है वो भूल जाती है कि उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और उसकी कंडीशन थी कि उसको मासी को पैसे देने हैं, तो वो मासी को पैसे नहीं देती है। और फिर जो मासी उसके घर जाती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, तुम पैसे क्यों नहीं दे रही हो, तो वो बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा और मेरी मम्मी के बीच में बना था, तुम आके मुझे नहीं बोल सकती कि तुम्हें मैं पैसे दूँ, तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था। तो यहाँ पे जो उसकी मासी है वो क्या है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, कि वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है ना, वो तो एक बेनिफिशियल पार्टी है पर उसमें मतलब पार्टी नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बनते वक्त वो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ पे जो ऐसी जो होती है उसमें क्या है कि इसमें एक जो तुम्हारी एक्सेप्शन है वो क्या है कि बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट प्रोविजन इन मैरिज सेटलमेंट प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस ऑफ मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ फीमेल मेंबर्स अंडर अ फैमिली अग्रीमेंट असाइनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ये जो 6 पार्टीज हैं इसको अगर वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हैं तब भी वो वहाँ पे लीगल राइट्स होते हैं उनके पास कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में वो केस कर सकती है, उस पार्टी के अदर पार्टी के अगेंस्ट में केस कर सकती है। तो वहाँ पे जो मासी को पैसे नहीं मिल रहे थे तब भी वो मासी उस को उन्होंने केस फाइल करा और वहाँ पे वो जीतेंगी क्योंकि वहाँ पे वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हैं पर वहाँ पे वो बेनिफिशियरी भी हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट की बेनिफिशियरी हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त ही उन्हें ये कहा गया था कि वो वहाँ पे उन्हें कंसिडरेशन मिलेगी, तो उन्हें कंसिडरेशन मिलनी थी, ठीक है। इंडियन लॉ में ये डिफाइंड है कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ दोनों ही सेम है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन के लिए जो कंसिडरेशन के बीच में दो पार्टीज़ के बीच में जो कंसिडरेशन हुई रहता है और उसके लिए उस कंसिडरेशन के लिए वो दो पार्टीज़ वो कर सकती है, स्यू कर सकती है एक दूसरे के ऊपर, कोई थर्ड पार्टी है वो स्यू नहीं कर सकती है, ठीक है, ठीक है। पर उसके कुछ एक्सेप्शन हैं और वो ये 6 एक्सेप्शंस हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। अभी मैंने समझ गए होंगे इस एग्जांपल से कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई एक जो स्ट्रेंजर है वो बेनिफिट ले रहा हो, वहाँ पे क्या थी, मासी स्ट्रेंजर थी बट उनके बेनिफिट के लिए ही वो कॉन्ट्रैक्ट बना गया था, ठीक है। तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट हमारा वो हमारा बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट होता है। देन उसके बाद प्रोविजन इन मैरिज सेटलमेंट, कि मैरिज सेटलमेंट के टाइम पे तुमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन बने थे जो कि मैरिज सेटलमेंट के टाइम पे बने थे, तो वहाँ पे वो हमारा स्ट्रेंजर भी हमारा वहाँ पे
स्यू कर सकता है। लाइक एग्जाम्पल, दो जनों की शादी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो लड़के के घर वाले हैं उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा कभी दारू वारू छूता ही नहीं है, नशा कोई नशा करता ही नहीं है, पर शादी के बाद पता चला कि वो तो एकदम ड्रंकार्ड है, कि वो पूरा दिन नशे में ही रहता है। तो ऐसे टाइम पे अगर बीवी ना बोले, ठीक है, पति पत्नी के बीच में जो शादी हुई थी उनके अलावा भी जो उसके घर वाले हैं, लड़की के घर वाले भी उस कॉन्ट्रैक्ट को स्यू कर सकते हैं, उसके पति को स्यू कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा होता है। देन उसके बाद थर्ड है हमारा प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस और मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ फीमेल मेंबर्स अंडर अ फैमिली अरेंजमेंट, कि फैमिली के अंदर उन्होंने ये अग्रीमेंट किया कि कोई एक फीमेल मेंबर की जो शादी का खर्चा होगा या उसकी मेंटेनेंस होगी, फीमेल मेंबर की मेंटेनेंस होगी, उसका खर्चा हम उठाएंगे। तो पार्टीशन हो गया, अगर उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन हो गया है तब भी वो फीमेल मेंबर वहाँ पे केस स्यू कर सकती है पार्टीज़ को, क्योंकि वो स्ट्रेंजर है, पर वहाँ पे उसके बेनिफिट के लिए बना था, उसके लिए वो बना था कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे वो स्यू कर सकती है स्ट्रेंजर होने के बावजूद। देन उसके बाद असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी असाइन द असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स द बेनिफिट्स, कि जिसको बेनिफिट्स असाइन हुए हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ले सकता है, मतलब उसके लिए स्यू कर सकता है। लाइक ए असाइंस हिज इंश्योरेंस पॉलिसी इन फेवर ऑफ हिज वाइफ, द वाइफ कैन इन्फोर्स इट ऑल्दो शी इज नॉट अ पार्टी टू इट, कि ए ने असाइन किया था कि उसकी वाइफ को बेनिफिट एज अ बेनिफिशियल उसने असाइन किया था कि बेनिफिट मिलेगा उसकी वाइफ को, तो वहाँ पे वाइफ स्यू कर सकती है बजाय वो पार्टी में नहीं है, तब भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज में नहीं है तब भी वो स्यू कर सकती है। देन उसके बाद एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी विद अ प्रोमिसर आइदर बाय हिज कंडक्ट और एक्नॉलेजमेंट और बाय पार्ट पेमेंट और बाय स्टेपल क्रिएट्स प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिमसेल्फ एंड द स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर कैन स्यू। वहाँ पे देखो ये क्या है कि लाइक एग्जाम्पल कोई बिजनेस पार्टी है, ठीक है, वो दूसरी बिजनेस पार्टी से कंडक्ट करने गई है, ठीक है, और वहाँ पे एक बिजनेस पार्टी ए मान लेते हैं और बिजनेस पार्टी वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब ए पार्टी जो है उसने कोई एक ऐसा पर्सन लेके गई है जो पर्सन उसकी कंपनी का नहीं है, उसके बिजनेस का नहीं है, पर फिर भी वो उसको लेके गई है, ठीक है, और जब वो उस कंपनी जो मीटिंग के लिए गई है और फिर उस मीटिंग में जो पर्सन उसकी कंपनी का नहीं था, बिजनेस का नहीं था ए पार्टी के, तो उसने ऐसा कंडक्ट करा है कि वो भी उस टाइम पे ऐसा माना, जो वाई पार्टी को लग रहा है कि वो भी उस कंपनी का ही मेंबर है, तो वहाँ पे क्या होता है बाय स्टॉपल, उसको एज अ स्टॉपल वो वहाँ पे कंडक्ट कर रहा है, वो नहीं बता रहा है कि वो सही में उस पार्टी का नहीं है, और ऐसा कंडक्ट भी कर रहा है कि जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ वो उस पार्टी का है, तो वो वहाँ पे जो स्ट्रेंजर है तब भी वो वहाँ पे स्यू कर सकता है अगर वाई पार्टी वहाँ पे ना हो, और उसके बदले में जो पर्सन है जो ऐसा कंडक्ट कर रहा था उसके बदले उसको भी स्यू कर सकते हैं वाई पार्टी अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। लाइक एग्जांपल, ए पेज बी 500 टू गिवन टू सी, बी एक्नॉलेज टू सी दैट ही होल्ड्स दैट अमाउंट फ्रॉम हिम, सी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी। अब ए ने बी को पे करा 500 रुपये सी को देने के लिए, अब बी ने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ मेरे पास है, तो वहाँ पे क्या है बी एक्नॉलेज कर रहा है। वैसे ही स्टॉपल में भी मैंने बताया कि वहाँ पे जो पार्टी है वहाँ पे जो स्टॉपल है लाइक बी मान लेते हैं, बी पर्सन जो था उस कंपनी का नहीं था, पर वहाँ पे वो ऐसा कंडक्ट कर रहा था, एक्नॉलेज कर रहा था कि हाँ मैं इस कंपनी की तरफ से बोल रहा हूँ, तो मैं वहीं का ही हुआ ना, तो वो वहाँ पे कंडक्ट कर रहा था, एक्नॉलेज कर रहा था, तो वहाँ पे जो सी है, सी बी किसे अमाउंट रिकवर कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद एजेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि एजेंसी में क्या होता है, एजेंट क्या होता है कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करते हैं, अपनी खुद की लायबिलिटी नहीं होती है, और वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो एक्चुअल में
प्रिंसिपल और जो पार्टी है अदर पार्टी मैम क्या कस्टमर प्रिंसिपल एंड कस्टमर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पर उसको उसको चलाने का काम कौन कर रहा है, एजेंट के थ्रू वो दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आती है। तो यहाँ पे अगर जो वो एजेंट है वहाँ पे वो एजेंट लॉ केस फाइल सूट कर सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्योंकि उस क्योंकि वो प्रिंसिपल के बिहाफ में काम कर रहा है तो वो प्रिंसिपल के बिहाफ में वहाँ पे सू भी कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा, इतना ही था, तो बाकी हम फ्री कंसेंट अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक शेयर कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।